मैं लक्ष्मी नारायण साहू, सहायक प्राध्यापक बीएड से समाधान कॉलेज बेमेतरा से। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे माइक्रो टीचिंग के बारे में। माइक्रो टीचिंग को हम बोलते हैं हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण। आखिर सूक्ष्म शिक्षण होता क्या है, तो इसके बारे में आज हम बच्चों से के सामने पढ़ेंगे। तो माइक्रो टीचिंग मतलब होता है सूक्ष्म शिक्षण, और सूक्ष्म शिक्षण जो होता है 5 से 7 मिनट का होता है, शिक्षण कार्य होता है। इसमें 5 से 7 मिनट लगता है, बच्चों की संख्या 15 से 20 होती है। तो इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। टोटल हम देखते हैं कि माइक्रो टीचिंग में 7 प्रकार के कौशल होते हैं, जिसको मैं बताना चाहूँगा। पहला नंबर है आपका प्रस्तावना कौशल। पहला नंबर कौशल के बारे में देखें, प्रस्तावना कौशल। तो प्रस्तावना कौशल में आपका बच्चों से ही हम पूर्व ज्ञान के बारे में पूछते हैं। जैसे बच्चे पिछले कक्षा में क्या पढ़ाई किए हैं, तो उससे संबंधित हम प्रश्न करते हैं। प्रस्तावना कौशल में पूर्व ज्ञान के बारे में, बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि कैसे करते हैं प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल 4 से 5 प्रश्न में करते हैं। जैसे पहला नंबर बच्चों से हमने प्रश्न किया, तो बच्चे जो उत्तर देंगे उसी उत्तर में से हम दूसरा प्रश्न का निर्माण करेंगे। दूसरा प्रश्न का उत्तर जो बच्चे देंगे उसी उत्तर में से हम तीसरा प्रश्न का निर्माण करेंगे। उसी प्रकार से हम 4 से 5 प्रश्नों में बच्चों के द्वारा ही हम जो भी टॉपिक पढ़ाने वाले हैं प्रस्तावना कौशल में, वो टॉपिक हम निकालते हैं। तो बच्चे ही हम जो टॉपिक पढ़ाने वाले रहते हैं उसी टॉपिक को बच्चे ही निकाल के बताते हैं। ये होता है हमारा प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में हम बच्चों का आकलन करते हैं कि उन्होंने पिछली कक्षा में क्या क्या पढ़ाई किए, उनका कितना नॉलेज है। तो ये होता है हमारा प्रस्तावना कौशल। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, तो दूसरा नंबर आता है हमारा व्याख्यान कौशल। व्याख्यान कौशल, जैसा कि व्याख्यान कौशल में हम एक टीचर क्या होता है कि पहले से पूर्व तैयारी करके आता है, और कक्षा में आते ही वो स्टार्ट कर देता है अपना लेक्चर। व्याख्यान के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें ज़्यादातर शिक्षक को पूर्व तैयारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें व्याख्यान कौशल में एक शिक्षक जो होता है वो बिल्कुल निरंतर लगा रहता है व्याख्यान कौशल में। व्याख्यान के माध्यम से वो बीच बीच में एक शिक्षक जो है छात्रों से अलग अलग जगह से वो प्रश्न भी पूछता है, प्रश्न पूछते हैं बच्चे, उसका आंसर भी देते हैं। तीसरा नंबर आता है आपका श्यामपट कौशल। श्यामपट कौशल तीसरा नंबर का कौशल है, श्यामपट कौशल। श्यामपट कौशल में यहाँ पर लेखनी संबंधित कार्य किए जाते हैं। जैसे एक शिक्षक जो है श्यामपट में जब लिखने का कार्य करता है, तो उसका राइटिंग जो है बिल्कुल साफ सुंदर राइटिंग होना चाहिए, पहला नंबर है। दूसरा नंबर इस बात को ध्यान में रखते हैं कि 2 शब्दों के अंतराल के बीच में जो गैपिंग होता है वो काफ़ी डिस्टेंस जो है बराबर डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि बच्चों को समझ में आए। तीसरा नंबर ये होता है, यदि हमसे कुछ गलती हो जाता है, लिखते लिखते हमें कुछ गलती हो जाता है, तो हमें उसे ओवर राइटिंग नहीं करनी चाहिए, उसे मिटाकर पुनः उसको लिखना चाहिए। चौथा नंबर ये है कि हम जब लिख रहे होते हैं तो ऐसे पीछे करके लिखते हैं जो कि गलत है, तो हमें लिखना इस तरीके से चाहिए ताकि तिरछा लिखें, बच्चों को पीछे से दिखे, और बोल बोल कर लिखना चाहिए। तो इस बात का ध्यान देना चाहिए हमें इस श्यामपट कौशल में। उसके बाद घटक के रूप में एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए, हमारी वर्तनी कैसी है। यदि एक शिक्षक जो है लिखते लिखते वर्तनी में त्रुटि करता है, तो उस वर्तनी को देखकर एक बच्चे भी त्रुटि करता है। तो इतने सारे घटक हैं, इन घटकों को ध्यान में रखकर हमें ये श्यामपट कौशल का कार्य करना चाहिए, श्यामपट कौशल का शिक्षण कार्य करना चाहिए। इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे कि हम ये श्यामपट दिख रहा है, उसको श्यामपट को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक भाग में जो है लिखने का कार्य करते हैं, और दूसरे भाग में हम क्या करते हैं, छोटे छोटे जैसे डिफिकल्ट वर्ड है, कठिन शब्द है, या फिर हम चित्रांकन जो भी हमारा विषय है उसमें हम चित्रांकन का कार्य करते हैं। और एक चीज़ और प्रमुख बात मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि ये जो मिटाने का कार्य होता है, बिल्कुल ये इस तरीके से मिटाना चाहिए, बिल्कुल श्यामपट कौशल में, ताकि यदि हम चाक से लिख रहे हों तो वो उसमें डस्ट बच्चों तक ना जाए। तो ये होता है श्यामपट कौशल, जिसमें हमें बहुत सारे ऐसे घटक हैं जिनको ध्यान में रखकर हमें टीचिंग कार्य करना होता है। आगे हम चलते हैं प्रश्न कौशल। चौथा नंबर है हमारा प्रश्न कौशल। देखिए प्रश्न कौशल में हमें करना क्या होता है, प्रश्न कौशल में हमें बच्चों के स्तर के अनुरूप जो है, बच्चों के स्तर को ध्यान में रखकर
छोटे छोटे प्रश्न करना होता है, सरल प्रश्न करना होता है, उसके स्तर के अनुरूप प्रश्न करना होता है, ताकि बच्चे जो है उसका आसानी से जवाब दे पाए। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो बच्चों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो द्विभाषी ना हो, प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो हमारी भाषा को समझ पाए बच्चे, प्रश्न जो है बच्चों के स्तर के अनुरूप होना चाहिए। तो ये सारे घटक को ध्यान में रखकर हमें प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न जो है सारे सभी तरफ से करना चाहिए, सारे बच्चों से प्रयास करना चाहिए, अधिक से अधिक बच्चों से हम प्रश्न कर पाएँ। जैसे पहले बेंच से हम प्रश्न कर रहे हैं, उसी प्रकार से दूसरे बेंच से, लास्ट बेंच से, ऐसे सभी तरफ से कक्षा में बैठे हुए है ना, हर क्षेत्र से बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। प्रश्न करते समय हमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करनी चाहिए, प्रश्न करते समय हमारी जो है वॉइस है वो क्लियर होनी चाहिए। तो इन सारे घटकों को ध्यान में रखकर हमें ये प्रश्न कौशल के माध्यम से शिक्षण का कार्य करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम, पांचवा नंबर है दृष्टांत कौशल। दृष्टांत कौशल में होता क्या है कि बच्चों को हम छोटे छोटे उदाहरण के माध्यम से, छोटे छोटे उदाहरण देकर हम टीचिंग का कार्य करते हैं। जैसे बच्चे जो है घर में जो भी कार्य करते हैं, समाज में जहाँ भी रहते हैं, परिवार में रहते हैं, वहाँ पर जब रहते हैं, उस परिवेश में रहते हैं, तो उस परिवेश से, उस वातावरण से जोड़कर हमें ऐसे छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाहिए बच्चों को, है ना, अपने विषय से संबंधित ऐसे एग्जाम्पल देना चाहिए कि बच्चे जो है बड़े आसानी से समझ पाए। आप देखेंगे कि यदि हम कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं और यदि हम उसको छोटा छोटा एग्जाम्पल देते हैं, सरल एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं, तो बच्चे बड़े आसानी से समझ पाते हैं। तो इस तरीके से दृष्टांत कौशल का मतलब यही होता है कि हम छोटे छोटे बच्चों को एग्जाम्पल देकर उनको समझाएं, पढ़ाएं, उनके जो आसपास जो देखते हैं, वातावरण में देखते हैं, परिवार में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं वहाँ से वो रिलेट करके वो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सके। तो ये होता है आपका दृष्टांत कौशल। अगला मैं कौशल में चलूं तो छठवां नंबर है उद्दीपन कौशल। उद्दीपन कौशल, उद्दीपन कौशल का मतलब ये होता है कि हम अपने पढ़ाते समय, टीचिंग का कार्य करते समय, अपने एक्सप्रेशन के माध्यम से, अपने हाव भाव के माध्यम से टीचिंग का कार्य करें, जिससे आपके टीचिंग में बच्चे जो है रुचि ले, बच्चों का रुचि आपके टीचिंग में बना रहे। जैसे कोई हिंदी का एक टीचर है, बड़े अपने चाव से जो पढ़ाता है, जैसे चिड़िया उड़ रही है तो इस तरीके से उड़ने का भाव जो है बताता है वो, तो वो हर एक्सप्रेशन को, हर बात को बताते समय वो एक्सप्रेशन का, चेहरे का हाव भाव प्रदर्शित करके टीचिंग का कार्य करें, ताकि बच्चे जो है बड़े आसानी से वो टीचर की बातों को सुने और अध्ययन अध्यापन का कार्य वो कर सके। तो ये होता है हमारा उद्दीपन कौशल। हमारे शिक्षण कार्य में उद्दीपन कौशल का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे हम बढ़ते हैं, लास्ट सेवन नंबर है आपका पुनर्बलन कौशल। माइक्रो टीचिंग में, सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्बलन कौशल सेवन नंबर का विशेष स्थान है। पुनर्बलन का मतलब ये होता है कि यदि आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं और बच्चों से यदि प्रश्न कर रहे हैं और बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं, तो बिल्कुल पुनर्बलन का मतलब होता है फीडबैक, फीडबैक देना। यदि आपने प्रश्न किया बच्चों से और बच्चे उसका उत्तर दिए, तो आपको उसको पुनर्बलन देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, गुड, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा बताया, और अच्छा बताने का प्रयास कीजिए। होता क्या है, जब बच्चे को आंसर देते हैं, यदि थोड़ा बहुत मिस्टेक कर देते हैं, तो हम उसको फीडबैक जो देते हैं, पुनर्बलन जो देते हैं, निगेटिव दे देते हैं। अगर हम बच्चों को निगेटिव फीडबैक देते हैं, तो बच्चों का ध्यान बिल्कुल भी उस कक्षा में नहीं होता है। तो इस तरह से आपको पुनर्बलन भी देना है, तो आपको पॉजिटिव पुनर्बलन देने का प्रयास करना है। और आप चेहरे के एक्सप्रेशन, हाव भाव से भी पुनर्बलन दे सकते हैं, जैसे आँखों के प्रभाव से, यस, मुस्कुरा के भी आप ऐसे हाथ दिखाकर भी, मुस्कुराकर भी, ऐसे आप बच्चों को जो है पुनर्बलन दे सकते हैं। पुनर्बलन का शिक्षण कार्य में माइक्रो टीचिंग में विशेष स्थान होता है। यदि आप बच्चों को पुनर्बलन अच्छे से देते हैं, तो बिल्कुल बच्चे जो है बड़े आसानी से आपका बातों को सुनते हैं, समझते हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि माइक्रो टीचिंग जो होता है, सूक्ष्म शिक्षण होता है, 5 से 7 मिनट का होता है,
और इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है बीएड में। और ये 7 प्रकार के आप देख पा रहे हैं, प्रस्तावना कौशल, व्याख्यान कौशल, श्यामपट कौशल, प्रश्न कौशल, दृष्टांत कौशल, उद्दीपन कौशल और ये पुनर्बलन कौशल। इन सारे कौशलों को मिलाकर यदि आप शिक्षण कार्य करते हैं तो आपका एक बेस्ट शिक्षण कार्य होता है। तो ये इसका स्थान जो है बीएड में विशेष होता है। थैंक यू।